हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सुबह का व्लॉग तो मैंने दोपहर को ही एंड कर दिया था और ये शाम को मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली रीज़न ऑफ स्टार्टिंग दिस व्लॉग इज़ ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को सुबह बता ही दिया कि हम लोग नए घर में शिफ्ट होने वाले और आज है दशहरा, तो हम लोग ने सोचा कि कुछ अच्छा शुभ करें, तो हम लोग जा रहे ज्वेलर्स के पास छोटा सा चांदी का गणपति खरीदने के लिए हमारे नए घर के मंदिर में रखने के लिए। एक्चुअली ये वाले घर में भी हमारा सिल्वर का गणपति बापा था, लेकिन वो थोड़ा डैमेज हो गया, इसलिए मम्मी ने उसको कबट में रख दिया था, इसलिए आप लोग ने आज तक अभी देखा नहीं है। तो अभी हम लोग नए घर पे जा रहे हैं, तो हम लोग को नई मूर्ति तो लगेगी ही लगेगी, इसके लिए हम लोग आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है, तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं ज्वेलर्स के पास। और सेम वही ज्वेलर्स के पास जा रहे जिसके पास मैं आपको लास्ट टाइम लेके गई थी, वो टोरिंग लेने गए थे, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। मम्मी और सुशांत आई थिंक ऑलरेडी पहुँच भी गए होंगे, मुझे निशु ड्रॉप कर रहे हैं, तो मैं आपको भी लेके चलती हूँ, आपको भी दिखा दूँ कि हम लोग कौन सा गणपति बप्पा खरीदने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हम लोग ने तीन सेट देखा, ये एक साइज का है, दूसरा साइज है और ये तीसरा साइज है। तीन साइज में हम लोग सिलेक्ट करें, बट इसमें प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम लोग को हैवी वाला चाहिए और ये अंदर से देखिए खाली है, सिर्फ ऊपर से मूर्ति है, तो वो लोग अभी गए फैक्ट्री से लाने के लिए। सो देन वील डिसाइड कि हम लोग को ऐसा वाला लेना है हल्का वाला, या फिर वो ऐसा पूरा भरा हुआ जो आता है, ये देखिए ये छोटा है लेकिन ये पूरा हैवी वेट है, पूरा भरा हुआ है चांदी से, इसको अंदर से बिल्कुल भी चांदी नहीं है, ऊपर से ही है। सो नाउ ही इज़ गॉन टू गेट, सो लेट्स सी, वो लाने के बाद फिर मम्मा डिसाइड करेगी कौन से साइज़ का लेना है और ऐसा लेना है कि वो लेना है। और अभी ये सब ना न्यू पैटर्न्स में आए, पहले ये पार्ट नहीं आता था, सिर्फ मूर्ति रहती थी, अभी ये सब नए स्टाइल में डिज़ाइन में आए कि पार्ट के साथ आपको मिलता है। सो दे आर लुकिंग सो प्रिटी एंड सो क्यूट, देखने में इतने क्यूट क्यूट है ना। तीन साइजेस में है और ये सब पैर है, गणपति बापा का और लक्ष्मी जी का, ऐसा पैर किया, तीन साइज दिखाया है। और अभी मम्मा डिसाइड करेगी उनको कौन सा साइज लेना है और कौन सी मूर्ति लेनी है। सो मम्मा इज़ वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक और उसके बाद फिर हम लोग फाइनल सिलेक्शन करेंगे। हम लोग ना थोड़ा मंगलसूत्र का भी डिज़ाइन देख रहे हैं क्योंकि सुशांत के वाइफ के लिए भी हम लोग को बनाना है। और अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी गोल्ड का रेट 51,000 क्रॉस हो चुका है, उसका शादी फाइनल होते होते पता नहीं क्या रेट हो जाएगा गोल्ड का, और ये सब तो बनाना कंपलसरी है, मंगलसूत्र वगैरह, तो इसलिए मम्मी देख रही है कि कौन सा पैटर्न कितने बजट में कैसा बैठेगा, कितना तोला कितना वज़न उसका। सो नहीं, अभी तक शादी जमा नहीं है, लड़की ढूंढ रहे हम लोग, बट कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, तभी हम लोग आ ही गए शॉप में, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि थोड़ा बाकी का ज्वेलरी भी देख लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे शादी फिक्स हो जाएगा तो ये सब तो बनाना ही है। सो इसलिए अभी मम्मा थोड़ा देख रही है क्या लेटेस्ट डिजाइन आया है, पैटर्न आया है, जो आई स्टिल थिंकिंग, अभी 51,000 क्रॉस हो गया, पता नहीं और कितना आगे गोल्ड बढ़ने वाला है, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है ना मम्मा, कैसा बने सोच जाना। तो ये देखिए और ऑप्शंस आ गए, अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जितना ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है उतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी ये खरीदे कि ये खरीदे कि वो खरीदे, तो अभी सिलेक्ट करने में डिफिकल्ट हो रहा है कि कौन सा सिलेक्ट करें। तो हम लोग का बापा डिसाइड करके हो गया कि कौन सा बापा लेना है, तो अभी हम लोग थोड़ा गोल्ड देख रहे हैं क्योंकि अभी बंटी का शादी भी आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा खरीदी करना होगा। तो ये कितना प्यारा चोकर डिज़ाइन का हार है, मुझे बहुत पसंद आया, बट अभी हम लोग लेने नहीं वाले, तो व्हाट वी डिसाइडेड कि ये ना सही, मतलब कुछ और ना सही, तो एटलीस्ट 1 ग्राम गोल्ड खरीद लेते हैं, क्योंकि आज के दिन चांदी सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, सो वी आर टेकिंग 1 ग्राम गोल्ड ऑल्सो, और हमने गणपति बापा भी ले लिया एंड फाइनली वी आर डन। और मुझे ये हार बहुत बहुत पसंद है, देखिए इसका डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल है। सो फाइनली वी आर डन फ्रॉम हियर, नाउ वी आर गोइंग होम, तो अब मैं आपको घर पर जाके मिलता हूँ।
तो हम लोग घर पे आ चुके हैं और इसमें है गणपति बाप्पा और ये है 1 ग्राम का कॉइन जो हम लोग ने खरीदा है। अब इसमें बाप्पा है वो तो मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगी, आप लोग गेस कीजिए। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिखाया था अभी जब वो फैक्ट्री से लेकर आया था, वो 3 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन का बाप्पा मम्मा ने सिलेक्ट किया है। रीज़न ये है मैं अभी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको बोलते ना सरप्राइज रखना है थोड़ा, क्योंकि जिस दिन हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो मैं आप लोगों को पूरा मंदिर दिखाऊंगी, उस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग ने कौन सा चांदी का बाप्पा लिया है। तो प्लीज़ तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वैसे तो आप लोग ने ब्लॉग में देख ही लिया, मैंने 3 ऑप्शन तो दिखाया आप लोगों को, उसमें से ही एक कोई लिया है। सो तब तक आप लोग गेस करके रख लीजिए और मैं जब वहाँ पे जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। और यही रीज़न है कि इतने दिन से हम लोग जो दिन होम टाउन भी गए थे, बाकी जगह भी हम लोग जा रहे, तो यही सब घर की शॉपिंग चल रही है। पर मुझे ना बहुत खुशी हो रही है कि आज ही मैंने सुबह आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम लोग न्यू फ्लैट में शिफ्ट होने वाले, और जो फर्स्ट शॉपिंग वाला ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया वो बाप्पा की मूर्ति से ही स्टार्ट हुआ है। तो बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए गणपति बाप्पा का ही नाम लिया जाता है। तो आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया कि हम लोग नए फ्लैट में जाने वाले, और फर्स्ट व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वहाँ के लिए हम लोग क्या खरीद रहे हैं, तो उसका यही बन गया है गणपति बापा की मूर्ति के साथ। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी उतनी खुशी हो रही होगी। वैसे तो हम लोग ने बहुत सारा शॉपिंग करके रख लिया है और सारा सामान हमारे फ्लैट में जा चुका है, तो जिस दिन मैं वहाँ जाऊँगी, मतलब जब जिस दिन आप लोग को लेके जाऊँगी और आप लोग को पूरा फ्लैट दिखाऊँगी, सब सामान दिखाऊँगी, तो उस दिन डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी कि मैं कौन सी चीज़ लाई हूँ, कहाँ से लाई हूँ, मैं सब डिटेल्स दूँगी। और ये बाप्पा भी दिखा दूँगी आप लोगों के कि हम लोग कौन सा बाप्पा लेकर आए हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, और आज शाम दशहरे के दिन शाम के टाइम पे ये अपटे का पान होता है जिसको सोने का पत्ता बोला जाता है, तो ये घर में भगवान जी को दिया जाता है, घर के बड़ों को दिया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। तो अभी हम लोग घर पहुंच गए, 7:15 बज चुका है, तो अभी मम्मी अगरबत्ती दिया लगाएगी, निरंजन लगाएगी, और फिर हम लोग ये सबको देंगे और सबका आशीर्वाद लेंगे। तो ये मेरे तरफ से आप लोग के लिए है, हैप्पी दशहरा, और भगवान करे आप लोग को भी लाइफ में सब कुछ सब खुशियाँ मिले, सब अच्छा हो, शुभ मंगल हो आप लोग का भी और हमारा भी हो। प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। तो आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर ओनली, और ये व्लॉग बनाने का यही रीज़न था कि मैं हर छोटी छोटी चीज़ आप लोग के साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ, इतने दिन से करना चाहती थी, जो हम लोग इतने टाइम से हर जगह जाके खरीद रहे थे, जो मैं आप लोग को डी डेकोर लेके गई थी मीरा रोड वाला, तो मैंने उस वक्त आपको बोला था कि हम लोग यहाँ पे कुछ खरीदने नहीं आए, सिर्फ देखने आए, बट नहीं, हम लोग वहाँ पे एक्चुअली खरीदने ही गए थे। और हम लोग को वहाँ पे सोफ़ा पसंद आया, टेबल्स पसंद आए, डाइनिंग टेबल पसंद आया, तो थोड़ा सामान हम लोग ने वहाँ से भी ले लिया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जिस दिन वो बन के तैयार हो जाएगा वो लोग फ्लैट में उसको डिलीवरी कर देंगे उसका, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यही रीज़न था, तब मुझे वो रिवील नहीं करना था, इससे मैंने आप लोग को कुछ नहीं बताया। बट ये छोटी मोटी हम लोग की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, शिफ्टिंग का सब चालू हो गया एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू शिफ्ट। सो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आए होगा, इफ येस सो प्लीज़ लाइक कीजिए, नीचे लाइक का बटन, उस पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब जर्नी। तो मैं मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय। Thank you.